हरे कृष्णा राधे राधे। मैं भक्तिन सुरवी, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं भगवद गीता पढ़ने के 10 फायदे आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। ये सभी वैदिक ज्ञान का समरी है और सभी वैदिक ग्रंथों में से बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। यदि कोई नियमित रूप से भगवद गीता पढ़ता है तो वो समस्त वैदिक ग्रंथों पढ़ने का फल लाभ कर सकता है। इस कलयुग में वैदिक ग्रंथों के अनुसार यज्ञ करना बहुत कठिन है, तपस्या और प्रायश्चित करना भी बहुत कठिन है और संकल्प लेने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। लेकिन सिर्फ भगवद गीता का पाठ करने से केवल भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है। अभी मैं आप सबके साथ 10 ऐसे बेनिफिट शेयर करने वाली हूँ जो भगवद गीता का पाठ करने से हमें मिलता है। पहला पॉइंट है माइंड कंट्रोल या मन का नियंत्रण। भगवद गीता के अनुसार जिसने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया उसका मन ही उसका परम मित्र है और जो अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया उसका मन ही उसका परम शत्रु है। जो चीज जितनी ज्यादा अधिक शक्तिशाली होती है उसका दुरुपयोग का खतरा उतना ही अधिक होता है और उसी तरह से उसके सदउपयोग की गुंजाइश भी उतनी ही अधिक होती है। मन हमारे शरीर में फिट की गई एक ऐसी मशीन है जो दोनों मुख वाले तलवार की तरह काम करता है। जो लोग आसुरिक स्तर के तरफ खिसकते हैं वो भी अपने मन के कारण ही ऐसा करते हैं और जो लोग ऊंचाइयों को छूते हुए अच्छा काम करते हैं वो भी अपने शुद्ध मन के कारण ही ऐसा करता है। हमारा मन एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चे ऑलमोस्ट सभी चीजों से आकर्षित होता है लेकिन सभी चीजें उसके लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है, कुछ चीजें उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए माता पिता को सख्त होना पड़ेगा। हो सकता है बच्चा बहुत रोए, गुस्सा भी हो जाए, लेकिन माता पिता को उचित है कि वो अपने बच्चे को वही चीज दे जो उसके लिए अच्छा हो। चाहे पहले पहले में शुरुआत में बच्चे को वो चीज अच्छा ना भी लगे, ठीक उसी तरह हमारे मन के साथ भी ऐसा ही है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि और हमारे आध्यात्मिक सत्ता से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मन बहुत सारी भौतिक चीजों की ओर आकर्षित होता है। हमें लगता है कि इन सारी चीजों से हमें खुशी मिल सकता है लेकिन हर बार हम गलत साबित होते हैं। इसलिए मन को हमेशा डिसिप्लिन में रखना चाहिए और प्रैक्टिस के साथ उन सारी चीजों से मन को दूर रखना चाहिए जो मन के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। भगवद गीता के अनुसार हमें किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होंगे तो हमारा मन आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। भगवद गीता के चैप्टर नंबर 6 के श्लोक नंबर 35 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और डिटैचमेंट के माध्यम से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। भगवद गीता के चैप्टर नंबर 6 के श्लोक नंबर 26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है हमें उचित है कि हम वहां से अपने मन को खींच के अपने वश में लाए। इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवद गीता के माध्यम से हमें इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मन को कैसे नियंत्रण में रखना चाहिए, ये सारी चीजों का गाइडेंस मिल रहा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को दिया है। तो मन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, बोलना बहुत आसान है कि हाँ मैं मन को कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल ऑफ एंगर, गुस्से के ऊपर नियंत्रण। गुस्से को नियंत्रण करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 62 और 63 में भगवान हमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्रोध कैसे काम करता है। क्रोध ऐसे काम करता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो उसके प्रति हम आसक्त होते हैं। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, फिर स्मृति भ्रमित होता है और फिर हमारा विनाश होता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से भगवद गीता में एक्सप्लेन किया गया है कि क्रोध कैसे काम करता है। क्रोध कब काम करता है? जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है वहां पे क्रोध उत्पन्न होता है। जो चीज हमें चाहिए वो अगर हमें ना मिले तो उससे हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है और उससे क्रोध उत्पन्न होता है और उससे हमारा मन भ्रमित हो जाता है। इससे हमारा शुद्धता दूषित हो जाता है
और हम तब ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हम किसको दुख दे रहे हैं, किससे कैसे बात कर रहे हैं, किसको कैसे हम हर्ट कर रहे हैं। और जब हम सामने वाले को हर्ट नहीं कर पाते हैं, दुख नहीं दे पाते हैं, तो हम खुद को हर्ट करते हैं, कोई गलत कदम उठा बैठते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सोच के देखिए कि क्रोध कितना ज्यादा डेंजरस है। खुद के गुस्से से ही खुद का विनाश होता है। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम खुद को दूसरे को हर्ट नहीं कर पाते हैं तो खुद को हर्ट करते हैं, कोई गलत कदम उठा बैठते हैं, तो हमारे गुस्से से हमारा खुद का ही विनाश होता है अंत में। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो, तो भगवद गीता पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं कि वो गुस्सा करता ही नहीं, उसका पूरा गुस्सा चला गया, शांत हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये करना बहुत ज्यादा कठिन है, प्रैक्टिस के साथ हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक उसका गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि भगवद गीता में ये मैजिक है कि भगवद गीता पढ़ने के बाद कोई आसानी से समझ पाता है कि गुस्सा करना कितना ज्यादा हानिकारक है, डेंजरस है, और हमारे खुद के लिए डेंजरस है। सामने वाले के लिए है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन खुद के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अंत में हमारा खुद का ही इससे विनाश होता है। थर्ड पॉइंट है पीस, शांति। भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 66 के अनुसार, जो इंसान शांति में नहीं है वो कभी खुश भी नहीं रह सकता है। और शांति मिलेगा कैसे? शांति मिलेगा भगवान से। जहां पे भगवान नहीं है वहां पे शांति भी नहीं है। और भगवान मिलेंगे कैसे? भगवद गीता के माध्यम से। सो भगवद गीता में ये भी कहा गया है कि असली शांति तभी मिल सकता है जब हमारा मूल चेतना वापस आ जाता है और हम अपने असली स्वरूप में वापस आ जाते हैं, तभी हमारी असली शांति वापस आ जाती है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के चैप्टर नंबर 5 के श्लोक नंबर 29 को पीस फॉर्मूला या शांति सूत्र के रूप में कहते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि संत और ऋषिया ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी यज्ञ और तपस्या का मूल और अंतिम उद्देश्य है। वही सभी देवताएं और जीवों का स्वामी है, सभी लोगों के स्वामी है, और यही जान के वो भौतिक दुखों से दूर रह के परम शांति लाभ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है मैनुअल बुक। भगवद गीता हमारे जीवन का मैनुअल बुक है, गाइड बुक है। भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के मैदान में ही क्यों दिया? क्योंकि ये संसार एक युद्ध क्षेत्र है और अर्जुन की जगह पे हम हैं, और हमारे मन में बहुत सारे जिज्ञासा, कंफ्यूजन, संशय, द्विविधा, बहुत कुछ है, और जिनको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से दूर कर रहे हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर भगवद गीता में हमें आसानी से मिल जाता है। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, सभी चीजों का आंसर भगवद गीता में है। भगवद गीता हमें गाइड करता है, एनकरेज करता है, एलिवेट करता है और सतर्क भी करता है। कैसे क्या करना चाहिए ये भगवद गीता में है, लेकिन करना चाहिए या नहीं ये हमारे ऊपर है। भगवद गीता हमारा गुरु, हमारा बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा हमें गाइड करता है। भगवद गीता हमें जीवन के हर एक सिचुएशन में गाइड करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन के थ्रू हमें ये समझा रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र रूपी इस संसार को छोड़ के भागो मत, बल्कि यहाँ पे रह के कर्म करो, पर कर्म के फल के प्रति आसक्त मत हो और कोई आशा मत रखो। पॉइंट नंबर 5 है टू ओवरकम फियर, भय को जीतना। जैसे अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि उनके हाथों उनके रिलेटिव्स की मृत्यु हो गई तो क्या होगा, लेकिन भगवान ने उनका डर दूर कर दिया। ठीक उसी तरह इस युद्ध क्षेत्र रूपी संसार में रह के हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई डर रहता ही है, और भगवान ने खुद कहा है कि सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर, और भगवद गीता पढ़ने से ये डर दूर हो जाता है। भगवद गीता पढ़ने से हमारे सभी प्रकार के डर दूर हो जाते हैं और हम भय के ऊपर जय प्राप्त करके जीवन यापन कर पाते हैं। सो पॉइंट नंबर 6 है रिमूव्स फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाता है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमें किसी ना किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर हमेशा रहता है। चाहे एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो फ्रस्ट्रेशन, प्यार में धोखा मिला तो फ्रस्ट्रेशन, दोस्ती टूट गया तो फ्रस्ट्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम हो तो फ्रस्ट्रेशन। लेकिन भगवद गीता पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिलता है कि किसी भी इंसान के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होना है, या किसी भी चीज के प्रति कभी आसक्त नहीं होना है। अगर हम आसक्त होंगे तो हमें दुख जरूर मिलेगा,
ये भी हमें शिक्षा मिलता है कि किसी भी इंसान से किसी भी चीज की आशा नहीं रखना है, आशा रखेंगे तो निराशा मिलेगी। इसलिए भगवद गीता पढ़ने से हमारे अंदर कोई अफसोस नहीं रहेगा कि ये चीज मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे से क्यों दूर चला गया, ये चीज मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि तब हमें समझ आ जाएगा कि असली सुख कहाँ पे है और किस में है। सो पॉइंट नंबर 7 है आइडेंटिफाइंग द रियल सेल्फ। जैसे शीशे में धूल मैल जम जाता है तो हमारा चेहरा ठीक से नहीं दिखता है, ठीक उसी तरह हमारा मूल चेतना भी भौतिक मैल से ढक जाता है। और ये साफ तभी होता है जब हम अपनी असली स्वरूप को जान लेते हैं। और भगवद गीता के माध्यम से हम अपनी असली स्वरूप को जान लेते हैं, जान पाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम शरीर नहीं है, हम चिन्मय आत्मा है और हमारा जीवन का उद्देश्य है भगवान के पास लौट के जाना। और ठीक उसी तरह हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं और हमारा मूल चेतना वापस आ जाता है। पॉइंट नंबर 8 है क्लोजर टू कृष्णा। हम भगवान के क्लोज हो जाते हैं। भगवद गीता कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का मुखनिश्चित वाणी है और इसको पढ़ने से हम भगवान के और भी करीब आ सकते हैं। और सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, जो जो कहा गया है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना होगा, अप्लाई करना होगा, तभी हम अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं और इसी तरह से हम भगवान के करीब भी आ सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 9 है टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। बहुत समय हमारे साथ बहुत कुछ गलत होता है और हमारे साथ होता है, हमारे आसपास होता है, लेकिन हम चुप रह जाते हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन भगवद गीता से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें हमेशा जो सही है उसके लिए आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि धर्म हमेशा अधर्म के ऊपर जीत हासिल करता है और हमेशा सच्चाई के रास्ते में रह के धर्म के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। अगर हम सच्चाई के रास्ते में रह के धर्म के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो भगवान हमारे साथ रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन कराएंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है दूसरों के प्रति ईर्ष्या। भगवद गीता हमें ये सिखाता है कि कभी भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या करके, उनसे जल के, उनका टांग खींच के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमेशा हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम परोपकार करें, सभी जीवों के लिए दया लाए और ईर्ष्या ना करके एक धर्म के अनुसार जीवन यापन करें। भगवद गीता पढ़ने के बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स है जिनको मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैंने 10 ऐसे पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर किया जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मिराक्यूलस बेनिफिट्स है भगवद गीता के जिनको एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बस 10 पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर किया। आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।